तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सुबह सुबह मैं तैयार होके चले गया हूँ पाताल भूमेश्वर हाट काली का गंगोली हाट। तो आज हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, वो भी दर्शन कराते हैं। वीडियो में बने रहो, जो नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना, मेरे साथ बने रहना, थैंक यू। सुबह सुबह का टाइम, अभी धूप तो आई नहीं है और हम लोग सब आ गए हैं बाहर सबके। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग, काई बिटी रहे तो तुम चाल हाल हाल भी। मैं जा रहा हूँ आज लंबे टूर में। बाय 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 बाय। तो चले गए हैं घर से, दो जने जा रहे हैं, एक भाई आ रहा है, एक मैं जा रहा हूँ। सुबह ही चले गए हम लोग, यहाँ से है 95 किलोमीटर, तो 95 जाना 95 आना, उसके बाद। तो हम चले गए हैं अपने गंगोली हाट को, अभी थोड़ी देर में धंडिया पहुंचने वाले हैं। सुबह सुबह अभी टाइम हो रहा है 8 बजे हुए हैं, 8:30 बजे तक हम धंडिया पहुंच जाएंगे। ये वाली रोड जो गई है, ये है पिथौरागढ़ वाली रोड, आगे जाके घाट, घाट से फिर एक चंपावत को, एक पिथौरागढ़ को। ये है रामेश्वर, ये है रामगंगा, ये है सरयू, दोनों को मिलके यहाँ पे बनती है रामेश्वर। ये सीधे आगे को गई है घाट चंपावत को। फिर से पहुंच गए हम एक और लोकेशन पे, ये है पनार से 25 किलोमीटर गंगोली हाट वाली मार्ग पे हैं हम। यहाँ के चट्टाने देख के तो ऐसा मन कर रहा है, बाप रे डर ही लग रही है भाई, यहाँ से नीचे देख के देख तो एक बार। सुसाइड पॉइंट है, सुसाइड पॉइंट। ये देखो यहाँ से नीचे बिल्कुल खाई दिख रही है नीचे। ये पहुंच गए हम गंगोली हाट मार्केट में और यहीं से हमारा आगे का सफर। हाट काली का मंदिर भी यहीं जाना है और पाताल भूमेश्वर भी इधर जाना है। आपको दर्शन कराते हैं हाट काली का माता के।
अब चले हम गंगुली हाट से आगे की ओर, अब दर्शन कराते हैं आपको पाताल भुवनेश्वर के। तो यहाँ तक तो आए हम बाइक से, यहाँ से हैं पैदल सफर पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर। जाना है, दिया गई है सीधे पाताल भुवनेश्वर। थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। मैं तो पहले भी आया हूं इधर, सो दीपक भाई आए हैं आज पहली बार। बहुत मजा आता है, ऊपर से पूरे देवदार के वृक्ष हैं और नीचे गुफा है, तो गुफा के अंदर भी जाएंगे। आप लोग भी जरूर आना, गंगोली हट से है 13 किलोमीटर आगे, तो दोनों मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे आपको, हाटकालिका और पाताल भुवनेश्वर। मुख्य द्वार पे पहुंचने वाले हैं हम लोग अभी। पहुंच गए हम और यहाँ से एंट्री। तो हम दर्शन करके आगे हैं बाहर पाताल भुवनेश्वर के, और हमारे साथ है हमारे दीपक भाई, सो उनसे पूछते हैं कैसा लगा सर आपको। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि जो भी है हमारे घर के पास में था, इसलिए आज हमारा प्लान बना यहाँ पे आने का। और यहाँ पे आगे ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, एक शांति और एक पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग यहाँ पे फील कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मंदिर में रही बात फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, वो तो नहीं अलाउड है, क्योंकि जो भी हमारे भारत के संरक्षित स्मारक के अंदर ही आता है यहाँ पे, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंदर यहाँ पे ये सब चीज़ें करना अलाउड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आपको गुफा के अंदर की वीडियोस नहीं दिखा पाए। हाँ वही तो, मैं अंदर की गुफा की वीडियो नहीं दिखा पाए, पर गेट तक आपको दर्शन करा रखे हैं। आप भी एक बार जरूर आए गंगोली हाट से 13 किलोमीटर आगे पाताल भुवनेश्वर महादेव मंदिर है, गुफा है। तो देखिए भीड़ तो काफी है यहाँ पे। तो फाइनली दर्शन करके आगे हम घर की ओर। ये रहा गंगोली हाट और ये है इसके आसपास के गांव। यहाँ से एक चीज तो बढ़िया है, सारे गांव इकट्ठे दिख जा रहे हैं। एक गांव ये रहा, एक उधर है, एक इधर है, एक इधर है, यहाँ पे है। और हमें जाना है इस रूट में आगे, यहाँ से 80 किलोमीटर आगे दनिया पड़ेगा, वहाँ से फिर 25 किलोमीटर आगे हमारा घर। ये आगे हम पनार, ये वाली जो रोड गई है पिथौरागढ़ को गई है, और इधर अंदर की साइड को दनिया, और इस वाली रोड पे जहाँ पे हम अभी गंगोली हाट से आए। अब चलते हैं घर की ओर।
ये पहुंच गए हम अपनी दनिया मार्केट। टाइम हो रहा है 6, करेक्ट 6 बजे पहुंचे भाई।